नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। पठानकोट में उनका भागवत कथा और दिव्य दरबार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बागेश्वर धाम ने ईसाई समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर पंजाब के ईसाई समाज के लोगों ने विरोध जताया है। उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज करवाई है, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पठानकोट में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई समुदाय के लोगों को मंदिरों और गुरुद्वारे में न आने की बात कही। उनका कहना है कि ईसाई लोग गुरुद्वारे मंदिरों में जाकर हिंदू धर्म के व्यक्तियों को न बहलाएं, इसके लिए वो जगह जगह पर प्रचार करने पहुंच जाते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई धर्म के लोगों पर धर्मांतरण करवाने का भी आरोप लगाया है। वहीं उनका कहना है कि वे पंजाब बार बार आएंगे। पठानकोट से पहले शनिवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने यही बयान दिया था। यूनाइटेड क्रिश्चियन दलित फ्रंट पंजाब के प्रधान बिलयात मसीह ने धीरेन्द्र शास्त्री से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शास्त्री ने बयान वापस नहीं लिया तो पूरे पंजाब में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। क्रिश्चियन समुदाय का कहना है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पंजाब की शांति के लिए खतरा है, इसके लिए उन्हें राज्य से बाहर किया जाए। उन्होंने ईसाई समुदाय का मजाक उड़ाया है, साथ ही साथ अमृतसर में आकर ईसाई धर्म के खिलाफ प्रचार किया है। राज्य के अजनाला में क्रिश्चियन समुदाय ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही बयान के मामले पर पंजाब पुलिस ने 2 दिन में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। 2 दिन में कार्रवाई न होने पर बड़ा प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन कमेटी और पंजाब के अन्य क्रिश्चियन संगठनों की ओर से ये शिकायत दी गई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।